हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक अगेन, दिस इज राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी है बजाज कंपनी की ही दो 125 सीसी की बाइक्स। तो एक है आपकी उनकी परफॉर्म, जिनको वो लोग बोलते हैं कि परफॉर्मेंस फ्रेंडली बाइक है NS125, और दूसरी है उनकी कम्यूटर बाइक आपकी पल्सर 125। तो भाई देख लो, ये परफॉर्मेंस फ्रेंडली है तो थोड़ी सी एग्रेसिव लुक में बनी गई है दोनों ही नेकेड बाइक पर, ज़्यादा एरोडायनेमिक्स ये लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा स्लीक है। और बगल में आपका पल्सर का वो क्लासिक लुक, वो गोल हेडलाइट जिसने पल्सर को अपनी वर्ल्ड में पहचान दिलाई। तो दोनों करने वाले हैं टेस्ट, और पावर फिगर भाई आइडेंटिकल हैं, दोनों ही 12 PS की पावर जनरेट करती हैं और दोनों ही 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती हैं। यहाँ पे एक बहुत ही माइनर डिफरेंस आ जाता है कि जो पल्सर आपकी क्लासिक है, ये जो इसका टॉर्क है ये थोड़ा सा लोअर RPM पे जनरेट करती है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है पावर फिगर में। और एक्चुअली थोड़ा सा है, ये आपकी जो पल्सर है ये 12 PS एग्जैक्टली जनरेट करती है, और ये आपकी जो NS है 11.99 PS जनरेट करती है। तो 0.01 PS का डिफरेंस जो कि है नहीं वो है। तो कर लेते हैं दोनों को कंपेयर, और मैं पहले चलाऊंगा NS और भैया चलाने वाले हैं आपकी पल्सर 125। देखते हैं कौन ज़्यादा आगे निकलता है। चल रहा है, कि आपको पता है कि NS का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है, नो डाउट परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है। एटलीस्ट इनिशियल में तो बेटर है ही, और हायर RPM तक जाती है भाई। देखो 10,000 RPM तक जा रही है ये। टॉपिंग जल्दी इसने बनाया है, 10,000 RPM तक जा रही है, टॉपिंग जल्दी अचीव कर लेती है। काफी क्लोज फाइट है अभी तो। हम खींचेंगे रेस को लंबा, क्योंकि हमको चाहिए लंबी रेस का घोड़ा। हाई गियर पे चल रहा हूं, बिल्कुल टॉप गियर पे चल रहा हूं, 5 गियर की बाइक है, 5वें गियर पे चल रहा हूं। तो अभी क्या है कि मुझे उम्मीद थी कि NS आगे जाएगी, लेकिन क्या है कि पल्सर स्टैंडर्ड 125 आगे जा रही है। और ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। ओहो, देखिए देखिए, आप बगल से निकल गई, बगल से आपकी इनकी बजाज की ही परफॉर्मेंस बाइक को बजाज की कम्यूटर बाइक ने टॉप एंड में रेस दिया। तो देखिए निकल चुकी है वो वाली बाइक आगे, 110 109। काफ़ी अच्छी रेस हो रही है अभी, और यहाँ पर क्या है कि ये आगे निकल गई है। है क्या कि वहाँ NS125 में ना क्या लिमिटर बहुत जल्दी आ जाता है इस वजह से, और मैं लगा हुआ पीछे पीछे बट कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा मुझे। देखते हैं, माइट भी आगे निकल जाइए। कोई फायदा नहीं है।
तो यहाँ पर क्या है ना, स्टैंडर्ड 125 पल्सर आगे निकल गई है फर्स्ट राउंड में, और एनएस 125 थोड़ा सा पीछे थी। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, बहुत ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन आप खुद सोचिए, ये बजाज की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, ये बजाज की कम्यूटर बाइक है, और ये टॉप एंड में आगे निकल जा रही है। इनिशियल उसका बेटर है, बट टॉप एंड में इजीली आगे निकल जा रही है। वेट का भी फर्क है ना? हाँ, वेट इसका ज्यादा है, उसका वेट कम है, तो उसका भी फर्क आता है। लेकिन बजाज क्या कर रहा है अपने ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मेरे सर के ऊपर से जा रही है आज कल। तो भाई आप देख लो कैसा चल रहा है। चलिए एक बार चेंज कर लेते हैं राइडर, और अब मैं चलाऊंगा आपकी इनकी ये जो कम्यूटर बाइक है, और भैया चलाएंगे इनकी जो परफॉर्मेंस बाइक है। इसका क्लच ना बहुत लेट छूटता है, और देखो ये लॉन्चिंग के टाइम पे ही क्लच इसका बहुत लास्ट में पावर आता है, तो इसकी वजह से लॉन्चिंग गड़बड़ हुई और पल्सर आगे निकल गई है स्टैंडर्ड 125। भाई साहब अगर ये इनिशियल में आगे निकाल ले गया तो टॉप एंड में तो वह छू ही नहीं पाएगी। गई बजाज की परफॉर्मेंस बाइक। चले लेकिन फिर भी खींचता हूँ, देखता हूँ कि कैसा रहता है। 94-95 पे लिमिटर आ रहा है, 96 पे चले देखता हूँ कि तारे। भाई साहब काफी डिफरेंस है, राम बाबू तो बहुत आगे निकल गए हैं, 101 105। अरे भाई साहब इतना एरर है ना इसके मीटर कंसोल में, क्या ही मैं बताऊं। बजाज की परफॉर्मेंस बाइक आपकी गई तेल लेने, बहुत पीछे रह गई है, और मतलब समझ नहीं सकते आपकी कितनी पीछे है वो। मेरे ख्याल से तो काफी एक सौ दस गजब है। देखो एनएस 125 को पीछे रहना था, लेकिन थोड़ा सा लॉन्चिंग के टाइम पे गड़बड़ी हुई, भी ज्यादा पीछे रह गई होगी। देख तो नहीं रही मुझे, और जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा लीन हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा टक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, बहुत इजिली चला रहा हूँ मैं, फिर भी ये टॉप एंड में आगे है। तो पहले से ही पल्सर स्टैंडर्ड 125 आगे हो गई, इतना सा डिफरेंस है आप जितना देख पा रहे हो। राम थोड़ा सा आगे मुझसे चल रहा है, तो यही डिफरेंस जब मैं रेस कर रहा था तो मेरी मतलब स्टैंडर्ड 125 आगे थी। यार बजाज सच में यार जो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है ना, इसके साथ में क्या किया है, इसको बेहतर करो, पावरफुल बाइक लाओ, इसलिए ये जानी जाती थी, और स्टैंडर्ड 125 आगे चल रही है। वाली बाइक मुझे लगता है काफी पीछे है, एक बार और करेंगे हम ये ड्रैग, हम एक बार और करेंगे, हमें देखना है कि सही में वो परफॉर्मेंस बाइक है या कुछ गड़बड़ है उसके साथ। कर लेते हैं चेंज एक बार फिर से लेन, क्योंकि ये वाली रोड जो है वो खत्म हो चुकी है। हाँ देखो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आता है। अब ड्रैग रेस में क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि लॉन्चिंग के टाइम पे ना थोड़ा सा रहा, लेकिन
लॉन्ग रेस में आगे स्टैंडर्ड ही रहा। एक बार और करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसको इतनी बुरी तरह हारते नहीं देख पा रहा। हाँ हाँ पक्का। आइए देखिए परफॉर्मेंस में तो दोनों टक्कर दे रही हैं एक दूसरे को। यार इसका थ्रॉटल ना काफी लेट आता है, कम ऑन पल्सर एनएस। ओ यार फिर देखो आगे निकल गई है और ये निकल गई आगे। ये आपकी निकल गई परफॉर्मेंस बाइक को टक्कर देते हुए, इनकी कम्यूटर बाइक इजली आगे निकल गई। भाई क्या ही बना रखा है इन्होंने यार, एनएस के साथ तो मजाक कर दिया है भाई लिटरली। बजाज ने उनकी जो एनएस 125 है, जो एनएस 160 है, उसके साथ में बहुत ही गंदा मजाक किया है। कहने का परफॉर्मेंस बाइक है, काम किसी काम की नहीं। अबे 100 हो जा भाई, 98 103 105। देखो वैसे ही डिफरेंस आ रहा 106। देखिए कितनी इजली आगे निकल गई है बाइक, ये कंप्यूटर बाइक उस परफॉर्मेंस बाइक को कितनी इजली पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। मुझे नहीं लगता कि अब वो आगे निकल पाएगी टॉप एंड में। 107 वाकई में काफी डिफरेंस है। इसमें शीशा भी नहीं लगा है, बट आसपास भी नहीं दिख रही यार, थोड़ा बहुत आगे वाला टायर दिख ही जाता है अगर अगल बगल आती है तो। देखो स्टैंडर्ड ही आगे जा रही है। मुझे नहीं लगता आगे निकल पाएगी, मुझे नहीं लगता, नो चांस। इनिशियल में तो फिर भी बराबर है, टॉप एंड में तो ऐसे है, इसको खा जाती है ये। तो भाई आपने देख लिया तीनों ही राउंड में, देखो इनिशियल में तो फिर भी एमएस एक बार जीती है,
तीन में से एक राउंड में निशल जीती है, एक में हारी, एक में टाई रहा है। तो निशल कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि इक्वल है, लेकिन टॉप एंड में तीनों ही रेस में आपकी कमेंडर बाइक जीत गई। तो भाई किस काम की है ये परफॉर्मेंस बाइक। तो चलिए इसी के साथ ये ड्रैग रेस एंड करते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले है, यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिस इज सोलो ट्रेवलर साइनिंग ऑफ। राइड हार्ड, राइड सेफ।